आपके बच्चों के 12 हैप्पी बर्थडे टू मी। राधे 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 राधे। अगर वृंदावन आ रहे हो तो एक बार जरूर जाना हमारे कहने पे, एक बार उनको देख के आना। हे गाइस वेलकम बैक, दोबारा से करो। हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आज है मेरा बर्थडे, रात के बच्चों के 12 हैप्पी बर्थडे टू मी। तो मम्मी पापा केक लेकर आए हैं, जिस आश्रम में हम रुके हुए हैं वृंदावन, वहीं पे केक कटेंगे काटेंगे। और केक देख लो, सुंदर सा प्यारा सा बटर स्कॉच। और हम केक कटिंग करेंगे और कान्हा जी को भी खिलाएंगे और बस देखते रहो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मिस्टर गणेश। गाइज रात के बज चुके 1:50 एंड अब हम निकले हैं अपने आश्रम से। यहाँ परिक्रमा मार्ग है, वहीं पे ही स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जो आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे, जो सुबह सुबह वो दर्शन देते हैं। तो हमने कहा आज बर्थडे है और इससे अच्छा मौका कभी हो नहीं सकता, तो वहाँ चलते हैं और उनका भी आशीर्वाद लेते हैं, उनको भी देखते हैं। एक ये भी मन में था कि उनको एक बार देखना, इतनी पास से उनसे एक बार मिलना, उनका आशीर्वाद लेना। तो चले देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। एंड सुना है वहाँ पे बहुत पब्लिक होती है इस टाइम, तो इसलिए हम पहले निकल लिए हैं। 2:30 बजे उन्होंने बोला है, मतलब आसपास से हमने पूछा तो वो 2:30 बजे का टाइम दे रहे हैं। तो हमने कहा हम तो 1:45 ही निकल लेते हैं। ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ रात भर परिक्रमा लगाते हैं लोग। और जो वो जगह है जहाँ पर वो आते हैं, मतलब जो परिक्रमा मार्ग में जो परिक्रमा करते हैं, तो वो हमारे आश्रम से कुछ ही दूर है। तो मैं कहा चलो पैदल चलते हैं। और ये देख लो परिक्रमा ये भी फिर से शुरू हो गई ना मेरी। तो ऐसे ऐसे बदले लिए जा रहे हैं, देख लो। अब ये देखो महाराज जी के लिए गुलाब के फूल हमने भी ले लिए। ले लो राधे महाराज जी के लिए फूल। ये देखो रात के 2 बजे हुए हैं। अजीब सी हो रही है कि जल्दी आए बस। मतलब ना कुछ वर्ड्स नहीं निकल रहे, मतलब वाइब अलग, डिफरेंट वाइब बिल्कुल। राधे 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 बोल मना, धन का क्या लग रहा है रात के 2:30 बजे। सबसे प्रार्थना है कि पे कोई भी फूल महाराज जी के ऊपर न डाले।
फूल महाराज जी के चरणों में डाले आगे गुड मॉर्निंग गाइज, हम उठ चुके हैं और रात का रिव्यू दें तो मतलब एक नंबर। कैसा लगा मम्मी आपको? इतना अच्छा कि शब्दों में तो ब्याह हो नहीं सकता, कि इतना आनंद आ रहा, दिल ही ना करा भी घर आ जाए। हाँ, उसके बाद तो ऐसे हो रहा था जहाँ जहाँ जा रहे हैं ना मामा जाए, पर उन्होंने मना कर दिया कि क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी कि आगे आगे ना जाओ। तो अगर एक बार अगर वृंदावन आ रहे हो तो एक बार जरूर जाना हमारे कहने पे, एक बार उनको देख के आना। मतलब ना ऐसा हो रहा था कि एक झलक, बस सब ऐसे हो रहे थे कि एक झलक देखते। हाँ, अलग सा नूर था और जितने आसपास थे ना उनके भी चेहरे पे इतना नूर मतलब। और हम रेडी हो चुके हैं दोनों, पापा नहीं गए थे, पापा थके हुए थे तो आई होप शायद आज लेके जाएं, आज भी सोच रहे हैं दोबारा जाएं। तो रेडी हो चुके, दिखाता हूँ मैंने क्या डाला है। ये देखो गाइस, कुर्ता है, ये हरिद्वार से लिया था याद हो तो, और नीचे जीन्स। एंड अब चलते हैं हम, बरसाना जा रहे हैं, नीचे ऑटो वाला आया हुआ है और देखो फोन भी आ गया उनका। हाँ तो मिलते हैं अब, ठीक है, रास्ते में या वहीं पे जाके। राधे 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 बोल मना, का क्या पता। निकल चुके हैं हम राधा रानी के दर्शन करने और सामने लिया टी ब्रेक, सॉरी स्प्राइट ब्रेक। बढ़िया आ रहा है ना? हाँ, के रात की नींद नहीं उतरी ना हमारी। ओ, नींद नहीं पूरी हुई हमारी। उतरी क्यों नहीं? पूरी नहीं हुई, उतरी नहीं नींद। बरसाना में आपका स्वागत है। ये देखो यहीं से मंदिर देख लो तुम पहले। श्री राधा सरोवर, श्री राधे। हम पहुंच चुके हैं गाइस बरसाना ऊपर, राधा रानी के मंदिर। राधा रानी का मंदिर नहीं है ये, साथ वाला है। और पहले यहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद चलेंगे वहाँ। राधे 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 बोल। हाँ, कितने पुराने पुराने चीजें हैं। हाँ, आजकल तो ये सब चलता भी नहीं और चलेगी सही। और लोग कहते हैं हमारी हिस्ट्री झूठ है।